मनवाना पड़ेगा। इस्लाम क्या है मैं आपको उसकी एक मिसाल दे दूं। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश का जमाना है उस, या बादशाह गयासुद्दीन बलबन एक बहुत बड़े इस्लामी बादशाह का, हिंदुस्तान के बादशाह। उस वक्त एक मसला ऐसा पेश आया था कि वो शिकार खेलने के लिए गया या जंगल में, उसके तीर से, बादशाह के तीर से एक गरीब बच्चे को तीर जाकर लगा और बच्चा खत्म ही हो गया। वो जिसका बच्चा था वो एक औरत, काम करने वाली औरत थी, तो वो हाय हाय चीखते हुए आई। उसने देखा कि बच्चा जो मर गया है तीर लग करके, लगा किसका तीर, तो बादशाह का था, हिंदुस्तान का बादशाह। ये हिंदुस्तान नहीं, उस वक्त अखंड हिंदुस्तान जिसमें पूरा पाकिस्तान, अफगान भी कुछ हिस्सा और फिर बांग्लादेश, ये सब मिला करके हिंद था। इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, उसका तीर लगा है, यहां तो सब खत्म कर दिया जाएगा, सब रिश्वत के तौर पर बड़े बड़ों के गुनाह पाक कर दिए जाते हैं, एक बार गंगा में नहा लें सब पाप धुल जाए। ये इस्लामी अदालत के तकाजे नहीं है। उस बादशाह के तीर से बच्चा खत्म हुआ, औरत फौरन काजी इस्लाम के पास आई, काजी सिराजुद्दीन, इनके पास, ये चीफ जस्टिस थे उस वक्त काजी इस्लाम। औरत ने मुकदमा रखा, कहा कि मेरा बच्चा बादशाह के तीर से मरा है। कहा गवाह है तेरे पास? कहा हाँ गवाह है, मेरे पास भी गवाह है और बादशाह को तलब करें उसके सिपाही भी गवाह है। तो काजी इस्लाम ने कहा ठीक है, अदालत में तेरा फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा काजी ने कि तूने किसके बारे में फैसला लाई है, मुकदमा लाई है, मैं कुछ भी बात करूंगा तो मेरी सीट चली जाएगी, नहीं, काजी इस्लाम है। बादशाह को तलब किया अदालत में, बादशाह गयासुद्दीन अदालत में आए। आने से पहले उन्होंने अपने जुब्बे में खंजर रख लिया, एक खंजर अपने जुब्बे के अंदर छुपा लिया। अपने वजीर को कहा तेज धारदार खंजर मुझे दे दो। सिपाही सब घबरा गए कि काजी की शामत आई है आज। और बादशाह ने खंजर अपने जुब्बे में छुपा कर रखा और अदालत में आए। आने के बाद काजी के सामने खड़े हो गए तो काजी ने वही खड़ा किया जहां मुलजिम को खड़ा किया जाता है, बादशाह को एक तरफ, औरत को, औरत से पूछा क्या तेरा मुकदमा है, साबित हो गया। तो काजी ने कहा ए बादशाह इस्लाम, आप अब मेरे सामने एक मुलजिम की हैसियत से हैं, आपके तीर से इस गरीब औरत का एक बच्चा खत्म हुआ है, इस्लामी कानून के एतबार से जान के बदले जान है, औरत चाहे तो अपने बच्चे के बदले में किसास लेने के लिए आपका कत्ल कर सकती है, जान के बदले जान है। दूसरा ऑप्शन ये है, औरत अगर चाहे तो दियत, यानी एक जान के बदले कुछ पैसे मांग ले उससे, कातिल से, और उससे पैसे मांग करके अगर वो माफ करना चाहे तो ये औरत के लिए ऑप्शन है। काजी इस्लाम ने ये फैसला सुना दिया, बादशाह कठहरे में खड़ा है, कत्ल भी हो सकता है और पैसे दे करके छूट भी सकता है। अब औरत को पूछा गया कि तेरे लिए, तेरे हक में फैसला आ गया, ऑप्शन है दोनों, तू अपने बच्चे के जान के बदले उस बादशाह की जान ले सकती है, या तो फिर तुझे जिस चीज का मुतालबा करना है, माल का, वो मुतालबा कर, अगर वो बादशाह देता है तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। उस औरत ने कहा मेरा बच्चा तो जा चुका, दुनिया से रुखसत हो चुका, मैं चाहती हूं कि मेरे घर के लिए कुछ माल दे दे, मैं दियत लेकर के माफ करना चाहती हूं बादशाह। बादशाह ने उसकी मुंह मांगी कीमत उसे दे दिया, जितना उस औरत ने मुतालबा किया उससे ज्यादा दिया। औरत को काजी ने कहा तू चाहती तो जान भी ले सकती थी बादशाह की। उस औरत ने कहा हां पहले तो यही सोचकर आई थी, लेकिन जब मैंने इस्लाम का यह सच्चा फैसला देखा और बादशाह को सर झुकाए खड़े देखा तो मैंने ये दिल में सोचा कि ऐसे बादशाह को जिंदा रहने की जरूरत है, ऐसे बादशाह के जिंदा रहने से अल्लाह ताला बरकत अता करेगा, मैंने माफ कर दिया। उसके बाद फैसला हो गया, अब बादशाह जो खंजर छुपा करके आए,
काजी इस्लाम के पास आए। काजी साहब अपने गद्दे पर बैठे हुए थे, कुर्सी अदालत पर, तो बादशाह सामने खड़े होकर के कहने लगे, काजी इस्लाम सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला, कहा अल्लाह पर रहम फरमाए, आपने आज शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फैसला किया, सामने वाले की हैसियत को नहीं देखा, आपने बिल्कुल वही फैसला किया। ए काजी इस्लाम, जानते हैं आप, जुब्बा खोल करके खंजर निकाला और दिखाया, तेज खंजर में घर से लेकर निकला था। जानते हैं क्यों? अगर आज फैसला सुनाने में जरा बराबर तुमसे चूक होती, तुम औरत की बजाय मेरी हिमायत में फैसला दे देते, तो मैं इसी कुर्सी पर तुम्हारा कत्ल कर देता। मैं अपने मुल्क में ऐसा काजी नहीं देखना चाहता जो शरीयत के खिलाफ फैसले देता हो। काजी इस्लाम मुस्कुराए, कहा, अपनी कुर्सी से उठे और उनके गद्दे के नीचे कोड़ा रखा हुआ था। बादशाह से कहा, ये कोड़ा देखे, मैं आपके आने से पहले ही नीचे रखे रखा था। जानते हो क्यों? मैंने सोचा कि फैसला सुना देता हूं, बादशाह मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो इसी कोड़े से मनवाऊंगा। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, अदालत के तकाजों को पूरा करता है इस्लाम। यहां पर शख्सियतें नहीं देखी जाती, सामने कौन है वो नहीं देखा जाता। हमारे यहां अदालत